कॉन्टैक्ट नंबर 9772758707। आज का वीडियो है कसूरी मेथी। सबसे पहली बात तो इसकी सेल बहुत ही ज़्यादा तगड़ी नहीं आती, लिमिटेड आती है, क्योंकि हर आदमी इसको काम में नहीं लेता। मगर सेल आती है, अच्छी आती है, कोई शक नहीं है, और रेगुलर सेल मिलेगी। जो दुकानदार इससे आपको ले लेंगे एक बार वो लेंगे। यह आता है कसूरी मेथी का आइटम। ये आप अच्छे से इसमें देख सकते हो, इस टाइप की होती है कसूरी मेथी। हिंदुस्तान में या उसके बाहर भी कह सकते हैं, 90% जो कसूरी मेथी का उत्पादन होता है वो होता है नागौर जिले के अंदर। राजस्थान में आता है नागौर जिला। इसकी क्वालिटी की बात करते हैं अपन और भाव की बात करते हैं। ये शुरू हो जाती है लगभग 250 रुपये किलो से, लेकिन वो माल काफ़ी हल्का माल होता है, 700-800 रुपये किलो तक पहुंच जाती है। वो बहुत ज़्यादा ऊंचा भाव होता है, क्योंकि इतना ऊंचा भी बिकेगा नहीं माल। इंसान के दूसरे खर्चे भी होते हैं, कसूरी मेथी थोड़ी खानी है उसको। जो माल कसूरी मेथी में जो चीज़ देखी जाती है सबसे अच्छी बात, वो देखी जाती है एक तो माल में सफाई। सबसे पहले ग्राहक इसमें सफाई देखता है, और एक इसकी खुशबू। खुशबू के कारण ही कसूरी मेथी का माल बिकता है। चाट पकौड़ी वाले भी इसको काम में लेते हैं, और घर में भी काम में ली जाती है कुछ मात्रा के अंदर। इसके परांठे बनते हैं और सब्जियों में डाली जाती है खुशबू के लिए और स्वाद के लिए। ये कसूरी मेथी का जो भाव है इसका, ये 100 ग्राम का पैकेट है, ये पड़ता है आपको 32 रुपये का। इसके 50 ग्राम के पैकेट भी आते हैं, वो पड़ता है आपको 50 ग्राम का पैकेट 18 रुपये का। अब 2 रुपये का जो फर्क आ चुका है इसमें, 100 ग्राम का पैकेट आपको पड़ा 32 का, 50 ग्राम का पड़ा आपको 18 रुपये का, यानी वो माल हो गया 360 रुपये किलो। वो फर्क क्यों आता है? एक तो पैकिंग का खर्चा भी आता है, और उस पर थैली एक्स्ट्रा लगती है। आप चाहो तो 100 ग्राम का माल बेचो, चाहे 50 ग्राम का माल बेचो। हाँ, इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ। कसूरी मेथी जो भी आप लोग मंगाते हैं, हमसे मंगाते हैं या किसी और से मंगाते हैं, ये गलती मैंने की थी बहुत पहले, जो कंपनी की थैली होती है प्रिंटेड, वो बिल्कुल मत देना बाजार में। उसमें क्या होता है, दुकानदार, क्योंकि क्या होता है, जो अच्छे दुकानदार है ना, वो इसका 15 किलो का बैग आता है, बैग मंगाते हैं पूरा। जो कंपनी की जो थैली आती है उसके ऊपर कंपनी का फ़ोन नंबर होता है। वो पहली बार तो आपसे ले लेंगे माल को, दूसरी बार में दुकानदार फ़ोन डायरेक्ट कर लेते हैं और सीधे माल उनसे मंगा लेते हैं। तो मेहनत तो आपकी, मुनाफा उनका। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। ऐसी गलती मैं कर चुका हूँ गुजरात में। गुजरात